अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करना चाह रहे हैं कि आप जो गाड़ी की, कार की ओनरशिप है ना, किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले से प्रोसीजर चेंज हो चुका है। एक्साइज वालों की तरफ से एक ऐप है जिसका नाम है ई पे पंजाब। सिंपली आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे। ये ऐप है, मैं जी ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इसका जी, जैसे आप ऐप ओपन करोगे तो सबसे पहले आप साइन अप करोगे, अपना सेल नंबर दोगे और बाकी जो रिक्वायर्ड डिटेल हैं वो आप इन करने के बाद साइन अप हो जाओगे। देन आप साइन इन होने के बाद ये आप, ये जो ऐप है ना, इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपको ये देखें शो हो रहा है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो फ़ी है वो जमा होती है जी। तो आपने व्हीकल की करवानी है तो आप ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल पे क्लिक करोगे। अगर आप नई गाड़ी ली है, मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हो, ये भी इसकी ऑप्शन है। लेकिन अभी हम जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो है कि ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल, जो ऑलरेडी आपने ख़रीदी है गाड़ी किसी एक बंदे के या कंपनी के नाम पे है, उसको जस्ट आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल पे क्लिक करोगे। जो डिज़ायर्ड गाड़ी का नंबर है आपका वो सर्च करोगे। ये जी सिंपली मैं किसी भी एक वो नंबर ऐसे लिख रहा हूँ ऐप, प्रॉपर आप जो नंबर इसका गाड़ी का एंटर करोगे तो बंदे की डिटेल आ जाएगी। ये किसी एक बंदे के नाम की डिटेल है जी। तो आप प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे नंबर लिखने के बाद, तो वो पूछ रहे जी आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप चूज़ करें, इंडिविजुअल पे क्लिक करें और जिस बंदे के नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र होनी है उसका CNIC आपने यहाँ लिखना है। अगर लिखने के बाद आप ये फैच, ये तो मैं फ़र्ज़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ आपको जो समझाने के लिए, फैच डाटा पे आप जैसे क्लिक करोगे तो जिसका जो CNIC है ना, तो उसकी डिटेल सारी आ जाएगी। आप कैलकुलेट ट्रांसफ़र फ़ी पे क्लिक करोगे, ये जी आ गई कि मोटर व्हीकल की जो टैक्स है 1800 रुपये है, ट्रांसफ़र फ़ीस 2000 है, ऑटोमेटिक जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसकी जो फ़ीस है 530 रुपये है, ई पेमेंट की तरफ से आप ये कर रहे हो तो 90 जो रुपीज़ है आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 4240 रुपये। ये जो गाड़ी है ना जो 1000 CC है उसकी मेरे ख्याल 1730 रुपये, 1000 CC से जो ऊपर गाड़ी है उसकी ये चार्जेज हैं, उससे जो बड़ी गाड़ी हैं 1500 CC, 1800 CC, 2500, 3000, उनकी इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी फ़ी है। तो आप जनरेट चलान करोगे, वो कह रहा है कि आपने यहाँ से चलान जैसे जनरेट करना है ना, ये देखें जी पिस्ट नंबर है, PSID नंबर है, ये 17 हिंसों का नंबर है। आपने इस नंबर को यहाँ से या तो लिख लें या फिर ये कॉपी कर लें, बस ई पे का यहाँ तक काम था। आपने ये नंबर लेके इस नंबर को कॉपी करना था, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया जी। अब जी मैं या तो बैंक के थ्रू पेमेंट करूँगा या फिर मैं पेमेंट करूँगा ये जो है जी इजी पैसा की ऐप, इसके थ्रू हो जाती है। अब इजी पैसा तो आप सारों को पहले से ही पता है। आप जी बिल पेमेंट, एक मिनट जी मैं आपको करवाता हूँ जी। तो जो इजी पैसा का अकाउंट है जी, आपने इजी पैसा का जैसे इंटरफेस आएगा मोर पे क्लिक करोगे, ओके गवर्नमेंट फीस पे आपने क्लिक करना है जी। अब पंजाब व्हीकल टोकन टैक्स पे आप क्लिक करोगे और वो जो 1700 का नंबर है इधर आपने पेस्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए 4240 रुपये है वो कह रहे हैं जी। जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके इजी पैसा में ये इतने 4240 रुपये होंगे तो उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो फिर आप पे नाउ पे करोगे तो आपकी तरफ से एक पेमेंट हो जाएगी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को। तो आपने इसका जो स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेना है। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, अब बात इसके बाद फिर से शुरू होगी। अब आपने जाना है जी अपना CNIC लेके किसी भी नादरा सेंटर पे या जो ई सहूलत सेंटर, उसके मुख्तलिफ मराकज़ बने हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ जगहों पे, तो उनको आपने जाके बताना है जी मोटर व्हीकल हम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। बायर और सेलर दोनों जाएंगे, फ़ी जो ख़रीद रहा होता है डेफिनेटली उसी ने पे करनी होती है। तो आप जाके CNIC नंबर देंगे,
और वो CNIC नंबर ट्रेस करने के बाद बताएंगे जी आपके पैसे तो जमा हो गए हैं और अब आपने क्या करना है, वो आपका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, आपका थंब प्रेशन लेंगे, आपके अगर सी दे देंगे कि लो जी फीस तो आपने खुद जमा करवा दी थी, अगर उनके थ्रू भी फ़ी जमा करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, और जैसे आपकी बायोमेट्रिक होगी एक रसीद मिल जाएगी। इसी तरह से जो सेलर है, सेलर भी अपनी तरफ से सिंपल वो ये करेगा, अपना CNIC लेके जाएगा और जो आपको रसीद मिली है ई सहूलत वालों की तरफ से उसके ऊपर एक ट्रैकिंग नंबर होता है, वो ट्रैकिंग नंबर देगा कि मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ, इस ट्रैकिंग के अगेंस्ट मेरी बायोमेट्रिक करनी है, तो उसकी भी बायोमेट्रिक हो जाएगी, आपकी भी पहले हो गई है, तो विद इन 7 डेज है ना एक्साइज वालों की तरफ से आपको स्मार्ट कार्ड बन के आपके घर के एड्रेस पे खुद ब खुद ही आ जाएगा। ये जी बहुत आसान है, दफ्तर चक्कर लगाने नहीं पड़ते, तो स्टेटस आप खुद भी चेक कर सकते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन करके। तो ये जी सिंपल सा प्रोसीजर है, तो बहुत आसान हो गया जी, पंजाब बदल रहा है जी, तब्दीली हो नहीं रही बल्कि तब्दीली हो चुकी है। हाँ जी, तो वीडियो को जी अगर आपने पसंद की है जिसको लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा, नया चैनल है, थोड़ी सी आप लोगों की सपोर्ट चाहिए।